व्रत के लिए जब ये चटपटे और फलाहारी आलू आप बनाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप व्रत रखने के बहाने ढूंढते फिरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटे और बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल 5 मिनट में बन जाने वाले व्रत वाले फलाहारी आलू। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 7 आलू उबाल लिए हैं। इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं उबालेंगे कि ये एकदम फटने लगे, थोड़ा टाइट ही बॉईल करेंगे और इन्हें छीलकर इन्हें हम कट कर लेंगे। आप इन्हें अपने मनचाहे क्यूब्स में काटें, चाहे तो आप इन्हें उंगलियों की हेल्प से फोड़ भी सकते हैं, मतलब हाथों से मसल लें उस तरीके से भी आप इन्हें तोड़ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने क्यूब्स में कट किया आप इन्हें क्यूब्स में कट कर लें। इन्हें आप व्रत वाले कुट्टू के जो पूड़ी बनते हैं, कुट्टू के जो पराठे बनते हैं, सिंगाड़े के आटे के जो पूड़ी और पराठे बनते हैं उनके साथ खा सकते हैं, या फिर वैसे ही चम्मच लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे आलू बनते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच घी। आप जिस भी ऑयल में या घी में व्रत का फलहार फ्राई करते हो वो तेल ले लो। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और ज़ीरे को बहुत अच्छे से क्रैकल होने देंगे। एक बार जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। आलूओं को तीखा चटपटा टेस्ट देने के लिए ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली के दाने ले लिए हैं जिन्हें मैंने ओखली में क्रश कर लिया है। आप चाहो तो इसे ग्राइंडर में पीस सकते हो लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में नहीं करना है, उसे पल्स मोड पे ही ग्राइंड करें, या सबसे बेस्ट है कि आप इसे ओखली में ही कूट लें। ये जब क्रंची से मूंगफली हमारे दांतों के नीचे आते हैं तो बहुत ही यम्मी टेस्ट देते हैं। इसमें मैंने 2 पके हुए टमाटर डाल लिए हैं। कई जगह पर टमाटर नहीं डाले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टमाटर नहीं खाया जाता है। अपना अपना व्रत का रूल होता है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला नमक, मतलब सेंधा नमक। आलू और टमाटर के हिसाब से हम नमक डाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए हम ढककर पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट बाद जब हम चलाएंगे तो देखेंगे हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे। इसे हम एक बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपने थोड़े से मसाले। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, ये भुना पीसा हुआ धनिया पाउडर है। होल कोरिएंडर को मैंने भून के और उसे ग्राइंडर में पीस लिया था। ये सौंफ और जीरे का पाउडर है, इसे भी आप भून के पीस लीजिए। बस हमें इसमें इतने ही मसाले डालने हैं। अगर आप और तीखा खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसमें डाल देंगे अपने क्यूबिक आलू जो हमने काट के रखे थे, बॉइल्ड पोटैटोस, और इन्हें अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से आलूओं में लग तो गए हैं लेकिन यहाँ कुछ ड्राई से लग रहे हैं, तो इसमें हम डाल देंगे लगभग 5 से 6 छोटे चम्मच, जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है उसके हिसाब से पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3-4 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर भाप में पकने देंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो हमारे आलूओं पर अच्छे से लिपट जाएंगे। तो हमारे बहुत ही अच्छे आलू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स करिए, धनिया पत्ती से गार्निश करिए और सर्व करिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस रेसिपी को अपने व्रत के दिनों में ज़रूर ट्राई करिए। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसे रोज़ ही बनाकर खाने लगेंगे, इतनी अच्छी ये चटपटी आलू की रेसिपी बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पूजा रिद्धि फूड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।